गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं चाय वाय हो गया है, पी ली हूँ और यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ आलू का भुजिया, उसमें प्याज डाल के। और अभी मैं ये कच्चा केला निकाल रही हूँ, आज मैं कच्चा केला के ही सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत दिन हो गए थे खाए, तो मैं ही बोली थी कि कच्चा केला ले आइएगा, सब्ज़ी या भुजिया बनाने में अच्छा लगता है खाने में। तो केला लाए हैं और केला ना बहुत ही मतलब पतला छिलका था और बहुत मोटा मोटा जैसा लग रहा था, और छिलका एकदम से पतला था, बहुत अच्छा था। तो यहाँ मैं प्याज और आलू डाल के केला का सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सही है। और एक तरफ मेरा चावल भी बन रहा है, नाश्ता वास्ता हो गया है, और ये साग रखा हुआ है, इसे मैं साफ़ करूँगी अभी साग बनाने के लिए। और ये साग मेरे हस्बैंड का फेवरेट साग में से एक है। हे गाइस, देखिए सानवी यहाँ खा रही है वाटरमेलन, और इसे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है इसे। और ट्यूशन से आई है उसके बाद वो तब से परेशान कर रही है, जल्दी काटो मम्मा जल्दी काटो। और देखिए अभी कितना मस्ती से बैठ के खा रही है। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लगता है इसे, जूसी टाइप का फल जितना भी है ना वो बहुत अच्छा से खाती है, रस वाला। हाँ अच्छा ठीक है, एक बार में दो ठीक है। ये मेरे हस्बैंड जी हैं। तो फ्रेंड अभी मैं खाना बना रही हूँ, बन गया मेरा खाना, अभी कंप्लीट हुआ है और 12 बजने वाले हैं। तो पहले क्या था कि मैं खाना बना के तब नहाती थी, पूजा करती थी, आज मैं सुबह उठ के भुजिया बना दी थी, नाश्ता बनाने के बाद मैं नहा ली थी, नहाने के बाद तब जाकर खाना स्टार्ट की बनाने के लिए, तो इसलिए लेट हुआ है। तो आज मैं खाना बना चुकी हूँ और पसीना से आप देख रहे होंगे मेरा क्या हालत हो गया है, अपने बाप गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है ना, क्या बताऊँ। तो आज मैं खाने में बनाई हूँ चावल और कच्चा केला का सब्जी बनाई हूँ। तो गाइस इसमें मैं बनाई हूँ चावल है ये, और इसमें केला आलू का सब्जी है, और ये है सुबह का थोड़ा सा भुजिया बचा हुआ है, और ये बता सकते हैं क्या है, मैं बता देती हूँ, ये है पाट का साग जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, और ये सिर्फ गर्मी के सीज़न में ही मिलता है। और ये ना अलग होता है सब साग से, थोड़ा सब साग सूखा सूखा बनाती हूँ मैं, बट ये साग ऐसे ही बनता है ग्रेवी जैसा, और चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड का मत पूछिए फेवरेट है, कितना भी कॉस्टली क्यों ना दे, बाज़ार में अगर इनको नज़र पड़ गया तो ये ज़रूर उठा कर ले आएंगे। तो आज यही बना है, दाल नहीं बनाई हूँ, और इधर सलाद कट के रखी हूँ मैं, और ये पकौड़ा मैं कल बनाई थी, बैटर बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं नहीं बनाई थी, सोची थी कि रात में बना लूँगी, बट रात में हस्बैंड का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो बोले कि मत बना मैं नहीं खाऊँगा, तो मैं नहीं बनाई थी। और इस टाइम जो बचा हुआ था, ख़राब तो नहीं हुआ था, फ्रिज में रखने की वजह से ख़राब तो नहीं होगा, तो मैं इसे इस टाइम बना दी हूँ। देखिए इसे आलू का आलू और चना मिक्स करके बनाई हूँ, इसे चना का पकौड़ा भी बोलता है कोई, कोई चना का भभड़ा बोलता है गांव में, चना का बचका भी बोल सकते हैं इसे। तो चलिए खाने का टाइम थोड़ा देर में हो जाएगा, पहले मैं सानवी को खिला देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। दोपहर के बाद मैं सीधे रात को आप लोग से मिल रही हूँ गाइस, शाम में कुछ शूट नहीं कर पाई थी मैं, तो रात में एक ही बार सोने टाइम का वीडियो शूट की हूँ, तो मैं इसमें ऐड की हूँ। हे गाइस, अभी खाना पीना कंप्लीट हो गया है, अभी नहीं कब का हो चुका है, और आईपीएल देखने के चक्कर में अभी तक ना खुद सोए हैं ना सोने दिए हैं किसी को, बच्चा भी नहीं सोई है, देखिए अभी तक जगी हुई है। और आपका टाइम मैं बता दूँ कितना हो रहा है, देख लीजिए 12:15 हो गया है, 12 बजने में मात्र 15 मिनट और बाकी है, और अभी तक इस लड़की के आँख में नींद नहीं है बिल्कुल भी, जब तक कि लाइट ऑफ करके उसे डांट नहीं पड़ेगी तब तक सोएगी नहीं। ये देखिए मच्छरदानी के अंदर पाप बेटी की मस्ती चल रहा है। मतलब जब तक मतलब पूरी तरह से हम लोग सोने के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं लाइट वाइट ऑफ करके, नाटक जब तक नहीं करेंगे कि हाँ चलो हम लोग अब सोने वाले हैं, सो चुके हैं लगभग, तब जाकर वो सोती है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो बच्चा टीवी देखते देखते खाते पीते
खेलते खेलते सो जाए, बहुत कम होता है ऐसा। और मैं इसे लेके तो परेशान रहती हूँ। देख लीजिए अभी भी उसका मस्ती चालू है, पता नहीं कब सोएगी ये लड़की। सांडी गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है तो आज का ब्लॉग इतना ही, कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल सके और वीडियो को आप लोग देख सके। तो आज के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय।